अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैन इफ्तार एंड गुड मॉर्निंग फॉर माय ऑल व्यूवर्स। एक्चुअली मैं रात को 5 o'clock सोया एंड अभी 1 o'clock हो रहा है। सो अब पार्ट ये है कि मुझे जाना है और फ्रेश होना है जाके। जी तो दोस्तों, फ्रेश हो गया, ब्रेकफास्ट कर लिया और शावर ले लिया। सो ये 3 काम तो हो गए, लेकिन अब जाना है, दाढ़ी ट्रिम करवानी है क्योंकि अंकल अंकल लग रहा हूं यार, तो ये बात अच्छी नहीं। और एक और बात ये है कि यार कल रात को एक्चुअली बारिश हुई बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। कल रात को भी इंटरनेट नहीं था और आज अभी भी जो है वो स्पीड बहुत कम है। सो अगर आप लोगों में से कोई भी PDZL के ऑफिस में है तो यार प्लीज काउंसलर्स के एरिया में इंटरनेट ठीक कर दो यार, मैं कंप्लेंस कर करके थक चुका हूँ, लेकिन क्या करें, स्पीड ठीक होता है एंड उसके बाद फिर खराब हो जाती है। सो आप लोग प्लीज इसका कोई हल निकालिए। सो फ्रेंड्स, मैं एक्चुअली आया हूँ जदून ट्रिम करवा के और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड हैं, हमारे तैयब भाई जिन्होंने मुझे अभी हेलो। जदून में बुलाया। अभी ये कहीं जा रहे हैं और मुझे साथ लेके जा रहे हैं और आई डोंट नो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरा साथ रहेगा आज रात तक आप लोगों के साथ और मैं अभी जा रहा हूँ तैयब भाई के साथ, और हमारे एक और भाई खड़े हैं जो कि तैयब भाई के फ्रेंड हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं हरनोई और ये फ्रेंड्स हैं तैयब भाई के। तैयब भाई इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि क्या नाम है इनका। ये है उमर, हम इन्हें डब्बू भी कहते हैं। ये हमारे बड़े अच्छे से दोस्त हैं और ये है इंग्लिश मैन ब्रो ओमरा। व्हाट्स अप, हाउ आर यू? हे गाइस, एंड वन एंड ये मेरा जिगरी यार है। हेलो। इसकी आईज का भी जरा इंट्रोडक्शन करवा दो। इनकी आईज के कलर इनके ड्रेस के साथ बदलते रहते हैं, बड़ी अच्छी काम ये रही सीरियसली। ओह माय गॉड, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं। सो गाइस, जा रहे हैं अभी हरनोई में और मिलते हैं फिर। सुनो, सो फ्रेंड्स, एक्चुअली कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोग जा रहे हैं सेकंड हरनो में। सो फ्रेंड्स ने कहा कि यार सेकंड हरनो चलते हैं। सो वहां में इन्होंने कुछ मौज मस्ती करनी है, कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड हरनो और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आए हैं हम लोग दूसरे हरनो में। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत वादी में जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीनरी ग्रीनरी है हर तरफ। सो गाइस, 120 FPS शेयर करता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, जा रहे हैं हम लोग वापस अब। सो सीट अब मेरी पीछे आ गई है। सो चलते हैं। सो भाई जगह मिलेगी, चलो डूब। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग बैठे हैं यहाँ पे हनो में कुछ पेट पूजा करने। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपना कैमरा टर्न करता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि ओह माय गॉड, क्या प्यार है। Baby, I pray God to get with your body so hard to forget. So friends, अभी मैं खड़ा हूँ पानी में और आप देख सकते हैं पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा है, ठंडा पानी है। क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है और अभी शाम का वक्त हो रहा है। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि आवाज़ आना आई थिंक इम्पॉसिबल है। सो ये है कि अभी इंजॉय किया और मज़े का मौसम है, लश किया, और अभी ये है कि वापस जाना है क्योंकि फ्रेंड्स को कुछ काम है जिसकी वजह से हम लोगों को वापस जाना है। एंड कोई भी नहीं यार, सब चले गए हैं, अभी मैं भी जाने वाला हूँ। ओके जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वापस घर और बस वापस आने के बाद कुछ अपने काम थे वो निपटाए और अभी बस
फ्री होके अपने रूम में आया हूँ वापस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ, अपनी कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जो मेरे दिल में थी और पता नहीं कब से मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। सो पहली बात अगर आप लोग आज की करते हैं तो आज एक्चुअली ये जो ट्रिप था ये बिल्कुल अचानक हुआ, मुझे पता नहीं था कि आज मुझे कहीं जाना भी है। सीरियसली मेरे ट्रिप बिल्कुल ऐसा ही बनते हैं। सो आज जिन लोगों के साथ मैं गया वो एक्चुअली बिल्कुल न्यू थे, मैं सिर्फ एक तैयब, हमारे तैयब भाई हैं उनको मैं जानता हूँ, वो मेरे बहुत पुराने अच्छे फ्रेंड हैं। सो उनके फ्रेंड्स थे, सो गैदरिंग अच्छी रही, मज़ा आया, इंजॉय किया। एंड ये बात है कि बहुत ही नाइस बंदे हैं सब, एंड पर्सनली मुझे खुद अच्छा लगा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। सो दूसरी बात ये है कि मैं एक्चुअली कुछ बिजी था अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में, दैट्स वाई कि मैंने रिएक्शन वीडियो भी कोई भी अपलोड नहीं की और मेरे पास जो पुराना स्टॉक था वो एक्चुअली ख़त्म हो गया है। सो आज से मैं डेली व्लॉग्स अपने शुरू करूँगा, लाइक डेली एक व्लॉग मेरा आ जाएगा, नहीं तो दो दिन में एक व्लॉग आप ज़रूर देखेंगे मेरे चैनल पे। और तीसरी बात ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं व्लॉग्स की, तो गाइस पर्सनली मैं खुद, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो मार्केट में जो व्लॉग्स हैं, ठीक है, और जो मेरे व्लॉग्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में स्टोरी टेलिंग बिल्कुल 0% है, एडिटिंग बिल्कुल 0% है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल 0% है। सो फ्रेंड्स, आज से मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी एडिटिंग, अपने लोगों के साथ इंटरेक्शंस और बहुत कुछ ऐसी जो व्लॉगिंग में हेल्प करती हैं, सो आज से वो मैंने इम्प्रूव करनी है। और गाइस चौथी बात ये है कि मुझे चाहिए एक मैकबुक जो कि 2.5 से 2 लाख की रेंज में मिलता है, और मुझे चाहिए साथ एक DSLR कैमरा विद 80mm लेंस और वाइड एंगल लेंस जो कि 1 लाख से 1.5 लाख की रेंज में मिलता है, और चाहिए मुझे एक और ड्रोन, ड्रोन शॉट्स के लिए जो कि 1 लाख से 1.5 लाख की रेंज में मिल जाता है। सो ये पॉसिबल नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के के लिए। सो पहली बात कि मैं अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं मांगने वाला इस काम के लिए। सो जो करना है खुद करना है, अपने बलबूते पे करना है। सो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कतरे 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 से दरिया बनता है। सो आज से वही कतरे मैं जमा करने वाला हूँ। सो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। सो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।